अगर आप इसी तरह से टेक वीडियो और डेली टेक न्यूज़ चाहते हैं और किसी भी गवर्नमेंट जॉब या ओ लेवल की तैयारी करना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें इस रेड बटन को दबा के, और साथ ही इसके बगल में आप देख रहे होंगे बेल आइकन दिख रहा होगा, इसको जरूर आप क्लिक किया करें। दोस्तों क्या होगा, आपको जो भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड होगी हमारे चैनल पर आपके पास मैसेज के द्वारा आ जाएगी, जिससे आप उसको आसानी से देख सकते हैं। और इससे आपको एकदम फ्री है, आपको सब्सक्राइब करने से कोई पैसा नहीं कटता है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। वेलकम टेक बेटा गुरु, मैं आपका विकास आपका अपने चैनल में फिर स्वागत करता हूँ। तो आज आपके लिए वीडियो लेके आए, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, NLT ओ लेवल M1 M2 M3 जो अभी आपका पेपर हुआ है हाल ही में, 16 17 और 15 को आपके जो पेपर हुए हैं, उसके सोल्यूशन तो नहीं आपको अभी मिलेगा, सोल्यूशन आपको एक दो दिन में मिलेगा। सोल्यूशन आपके ऑलरेडी कर दिए गए हैं सारे पेपर के, वो वीडियो आपको बाद में मिलेगी। आज हम लोग पेपर का डिस्कशन करेंगे कि किस प्रकार से पेपर आपका रिव्यू हुआ है और किस प्रकार के क्वेश्चन पुटअप किए गए थे, क्योंकि जब आंसर मैं बताऊंगा तो उस समय कोई डिस्कशन नहीं होगा, उस समय सिर्फ आपको सिर्फ आंसर टिक करने होंगे बस। तो आज मैं आपको इस वीडियो में आपको डिस्कशन कर देंगे M1 M2 M3 का पेपर ले रहे हैं, क्योंकि अभी दो पेपर अवेलेबल नहीं हुए हैं। आज पेपर लगा हुआ है आपका 2 बजे से, वो पेपर अभी चल रहा होगा, तो जैसे ही वो पेपर अवेलेबल होगा तो आपको मल्टीमीडिया और आपका ICT का पेपर आपको सोल्यूशन विद आपका डिस्कशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में देख लेते हैं किस प्रकार से पेपर आपका रिव्यू किया गया था, किस प्रकार से आप उसका आंसर लिख सकते थे, और जो मैंने वीडियो बनाई थी आपके लिए इंपॉर्टेंट की, वो आपको किस प्रकार से हेल्पफुल हुई है। तो जहाँ तक कि मेरा अनुमान है, मैंने पेपर जो देखा है और उससे जो मैंने वीडियो मैच की है, तो लगभग आपका पेपर मिला है। अगर आपने वीडियो को फॉलो किया होगा, आपने क्वेश्चन नोट किए होंगे, उसके आंसर ढूंढे होंगे, तो आशा करते हैं आपको पेपर में दिक्कत नहीं हुई होगी आंसर लिखने में। तो मैंने आपको पहले कहा था कम से कम 2 महीने का समय दें इसके लिए, और वीडियो मैंने ऑलरेडी पहले पोस्ट कर चुकी थी। तो चलिए देख लेते हैं किस प्रकार से आपके लिए हेल्पफुल हुए थे क्वेश्चन। तो पहले पेपर देखते हैं और उसके बाद वीडियो को मैच करते हैं। तो पहला पेपर है मेरे पास, ये आप देख सकते हैं, प्रीतम साधु जी ने भेजा है, तो इनका रोल नंबर वगैरह भी यहाँ पे अवेलेबल है, आप चाहें तो इनका देख सकते हैं रिजल्ट। और ये आपका M1 R4 IT 2000 बिजनेस सिस्टम का पेपर है, 100 नंबर का पेपर था आपका, इसको जरूर पढ़ लिया करें। यहाँ पे दिया गया आपका 40 नंबर का और 60 नंबर का, और नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है। तो पेपर बहुत ही सिंपल था, बहुत ही ज़्यादा सिंपल पेपर था आपका। तो चलिए देख लेते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन पुटअप किए गए थे। हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलता है आपका, इससे पहले आपके हिंदी इंग्लिश दोनों में नहीं आते थे, अब आपके हिंदी इंग्लिश दोनों में पेपर आने लगे हैं, और आपको इंटरनेट पे लेकिन जो अवेलेबल होंगे पेपर वो 2017 के बाद के आपके हिंदी में अवेलेबल होंगे, उससे पहले के अवेलेबल नहीं है। तो पहला क्वेश्चन पुटअप किया गया था, विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में इसमें करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना था, बहुत सिंपल था। अगर आपने एमएस वर्ड कभी यूज़ किया हो तो इसको आप देखेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। फटाफट डिस्कशन करते हैं क्योंकि तीनों पेपर हमें लेना है, तो वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। विच इज दी 1.2 में आपका पूछा गया था, विच इज द करेक्टर इनकोडिंग स्टैंडर्ड दे प्रोवाइड यूनिक नंबर ऑफ एवरी करेक्टर। तो अभी आप इसमें जो आंसर टिक है इन्होंने किए हैं, तो ये आप इसको अभी टिक ना करें, जब आपको आंसर की वीडियो बनाई जाएगी तब आप इसके आंसर टिक करें। बाकी आपने आंसर अपने पास रखे हैं, जब वीडियो अपलोड की जाएगी एक दो दिन में तो आप उसके आंसर मैच कर सकते हैं। तो उसमें आपका सिंपल सा कोड कोड के बारे में पूछा गया था कि कौन सा कोड यूज होता है यूनिक करेक्टर में, तो वो आपको बताना था। और 1.3 पूछा गया, विच वन ऑफ द इनवैलिड साइज ऑफ चेज मेमोरी, इनवैलिड साइज बताना था, चेज मेमोरी कौन सा है इसमें से, बहुत सिंपल है ये भी। 1.4, विच इज शॉर्टकट की इज यूज टू ओपन ए न्यू विंडो इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड आप ओपन करते हैं तो उसमें न्यू विंडो ओपन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज होगी, बहुत सिंपल है। 1.5 में आपका पूछा गया है, विच ऑफ द करेक्ट हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेड ऑफ बाइनरी, ये बाइनरी नंबर दिया गया इससे कौन सा हेक्साडेसिमल वेरी करेगा, वो आपको बताना था। उसके बाद 1.6 में फुल फॉर्म पूछा गया MBR का, बहुत सिंपल है। 1.7 में आपका पूछा गया है, विच टास्क आर परफॉर्म्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम इन ए कंप्यूटर, ऑपरेटिंग सिस्टम आपका कंप्यूटर में क्या टास्क परफॉर्म करता है, वो आपको बताना था। 1.8 पे चलते हैं, तो आपका पूछा गया है, दो सेलों को ऐड करने का सम पूछा गया, किस प्रकार से ऐड करते हैं और उसको किस प्रकार से लिखते हैं, वो पूछा गया। B8 है आपका और B11 को अगर आपको ऐड करना है तो किस प्रकार से उसको लिखेंगे, ये यहाँ पे एग्जाम्पल दिए गए। 1.9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सटेंशन ऑफ पेंट, एमएस पेंट आप लोग यूज करते हैं उसका एक्सटेंशन फाइल पूछी गई है, बहुत सिंपल है ये भी। 1.10, विच ऑफ द इज नॉट ए मेमोरी, इसमें से कौन सी आपकी मेमोरी नहीं है, तो आप देख के बता सकते हैं कौन सी मेमोरी इसमें नहीं है। तो 1.10 ये हो गया आपका। 2 फॉल्स देख लेते हैं किस प्रकार से पूछे गए थे। 2.1 ने पूछा गया, F5 इज द शॉर्टकट की टू स्टार्ट स्लाइड स्लो इन पावर पॉइंट,
F5 आपका पूछा गया कि जब आप स्लाइड स्लो यूज करते हैं पावर पॉइंट में तो क्या वो स्लाइड स्लो को प्ले कर देता है, क्या उसकी शॉर्टकट की है, तो ये आपको बताना था यस या नो। अगर आपने यूज किया होगा कभी तो आपको पता होगा कि इससे काम करता है कि नहीं। तो ये सब लॉजिक के क्वेश्चन है, इसमें आपको रटने की जरूरत नहीं, ना कोई बुक की जरूरत है, ना कोई इंटरनेट की जरूरत है, ये सिर्फ प्रैक्टिकली है। अगर आपने कभी यूज किया होगा तो आप इसका आंसर खुद निकाल सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका पूछा गया था 1011 इज एग्जाम्पल ऑफ वैलिड डेसिमल नंबर, तो ये आपका वैलिड है कि नहीं है ये आपका पूछा गया है इसमें। तो बहुत सिंपल है, अगर आपने डेसिमल कन्वर्जन वाली वीडियो देखी होगी तो आपको पता चल जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं आगे। रेड हैट इज ए कंपनी हु डिस्ट्रीब्यूट लाइसेंस फॉर विंडो, रेड हैट आपकी जो है वो कंपनी है एक, और ये क्या आपके विंडो के लिए बनाती है या अदर किसी के लिए, ये आपको उसने बताना था। बहुत सिंपल है ये भी। 2.4 कन्वर्टर इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट ट्रांसलेट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लेवल कोड, तो ये आपको बताना है, बहुत सिंपल है। बाकी आप क्वेश्चन देख सकते हैं, अगर एक क्वेश्चन को लेंगे तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी ये। उसके बाद है ड्राइवर डिवाइस, ड्राइवर इज प्रोग्राम डेट कंट्रोल ए पर्टिकुलर डिवाइस अटैचमेंट ऑफ ए कंप्यूटर, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है आपके पूछे गए थे। डी आई आर इज कमांड ऑफ डॉस डेट वर्ड लाइक एस कमांड इन लाइनेस, डी आई आर आपका जो दोनों में काम करता है कि नहीं, ये पूछा गया है। 64 मेगाबाइट मीन्स 65536 किलोबाइट, आपको बताना कन्वर्ट करके इसमें, बहुत सिंपल है। तो इसमें सिंपल सा 64 × 1024 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद है आपका मैच द कॉलम में जो पूछे गए क्वेश्चन, द बेस ऑफ ए बाइनरी नंबर, मोस्ट सिंपल सा क्वेश्चन है एकदम, तो आप इसको बता सकते हैं आंसर, द बेस ऑफ बाइनरी नंबर इज 2 है, बहुत सिंपल। उसका आपका पूछा गया 3.2 में, इट इज ए नॉन वोलेटाइल मेमोरी डेट कैन बी इरेज बाई हायर वोल्टेज, बहुत सिंपल है। ए पार्टिकुलर एरिया, ये सब आपके लॉजिक के क्वेश्चन पूछेंगे, ये आपको किसी बुक और उसमें नहीं मिलेंगे, ना इसके लिए आपको डेली, आपको मतलब डेली मॉक टेस्ट टाइप में आपको इसको डिटेल में नहीं, आपको मतलब उनके बारे में बताना चाहिए डीप में थोड़ा, तो आप इसका आंसर अपने आप निकाल सकते हैं। उसके बाद आपको पूछा गया है इट इज ए फाइल फॉर्मेट ऑफ स्टोरेज वीडियो फाइल, बेसिक से क्वेश्चन है। RDMS क्या है आपका पूछा गया है, ए सिंबल यूज इन ईमेल में कौन सा सिंबल यूज करते हैं, तो बेसिक से क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यहाँ पे आंसर आपको मिल जाएंगे। तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन आपके पूछे गए थे इसमें, तो ये PDF आपको वेबसाइट पे अवेलेबल हो जाएगी, क्योंकि अभी आपको एनालिटिक वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं होगी, तो ये पेपर जो भी नए स्टूडेंट आने वाले हैं जो इसका आंसर चाहेंगे, आंसर आपको एक दिन मिल जाएंगे, और PDF आपको ये अपलोड कर दी जाएगी वेबसाइट पे techvideogurumovie.com पे, वहाँ पे आप जाकर PDF को डाउनलोड कर सकते हैं पेपर की, या हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको पेपर मिल जाएगा। उसके बाद देखते हैं 4.1 में, डील्स विद साइबर क्राइम एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के बारे में पूछा गया है। एट द टाइम वन स्क्रीन प्रेजेंटेशन ऑन स्क्रीन प्रेजेंटेशन द मोशन इफेक्ट डेट ऑक्योर इन स्लाइड स्लो वेन मूविंग फ्रॉम वन स्लाइड टू नेक्स्ट स्लाइड, सिंपल से क्वेश्चन है बेसिक से। इन ए शॉर्टकट टू अलाइन ऑल दिस सिलेक्टेड सेंटेंस इन द सेंटर पेज, बेस ऑफ ऑक्टल नंबर इज 1 KB इक्वल टू, तो बेसिक से क्वेश्चन आपके इसमें पूछे गए हैं। मेन आपका जो आता है पार्ट टू, जो मेन 60 नंबर का पोर्शन है, अब इसके बारे में देखते हैं कि आपका कितना पेपर मैच हुआ है। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन स्टोरेज डिवाइस ऑफ कंप्यूटर, तो अगर आप वीडियो देखेंगे जाके, जो कि NLT दो एक ओ लेवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एटी टूल्स की जो मैंने बनाई गई थी वीडियो, जिसमें करीब 3000 लोगों ने देखी है वीडियो ये, तो अगर हम चाहते हैं कि ज़्यादा ज़्यादा लोग देखते तो और अच्छा होता, तो इसमें अगर आप देखेंगे जाके तो आपको वीडियो में मिल जाएगा आंसर कि ये वाला क्वेश्चन आपको वहाँ पे था कि नहीं। तो वीडियो को प्लीज़ ज़रूर देखा करें, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। और तो अगर आप इसको देखेंगे वीडियो, अगर आपने देखी होगी तो आपको यह क्वेश्चन मिल गया होगा स्टोरेज डिवाइस के बारे में, तो मेरे अनुमान से आपको जरूर ये बताया गया होगा। तो उसके बाद आपका पूछा गया एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमरी की एंड फॉरेन की इन RDMS में, आपका पूछा गया है प्राइमरी की और फॉरेन की के बारे में, तो ये आपका 4 नंबर का क्वेश्चन है, और इसमें आपको स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में बताना था, ये आपका 7 नंबर का क्वेश्चन है। उसके बाद 7वें का सी है, रिप्रेजेंट F3EF16 इंटू बाइनरी एंड 1349 base 10 इंटू बाइनरी, तो ये आपका दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, यहाँ base 16 है और यहाँ base 10 है, तो दोनों को बाइनरी में आपको कन्वर्ट करना है। ये भी आपका 4 नंबर का पूछा गया था, यानी कि 2-2 नंबर का आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो अगर आप बाइनरी वाली वीडियो देखेंगे उठा के, जो मैंने बाइनरी कन्वर्जन की पूरी वीडियो बना रखी है चैनल पे, करीब 10 से 15 मिनट की वीडियो है, उसको अगर आपने देखी होगी तो आपको कन्वर्जन के बारे में पता चल जाएगा किस प्रकार से सारे कन्वर्जन आपको करने हैं, वहाँ से आप सीख सकते हैं। जाके वीडियो जरूर देखें, चैनल पे अवेलेबल है, चैनल पे सर्च करें बाइनरी कन्वर्जन टेक वीडियो गुरु, आपको वीडियो मिल जाएगी।
ये हो गया आपका 15 नंबर का, ये क्वेश्चन हो गया आपका इस। और काफ़ी लोगों में ये भी दिक्कत है, ये आपको बता दें कि पार्ट टू का जो पेपर होता है इसमें आपको एनी फोर लिखे होते हैं, तो काफ़ी लोगों के माइंड में ये है कि कोई 4 क्वेश्चन करने हैं, जैसे मान लीजिए 3 ये हो गए और एक 6 में से 1 उठा लिया तो 4 होगा, ऐसा नहीं आपको करना है। अगर आप एक पार्ट उठाएंगे तो उसके सारों आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। आप यहाँ दे सकते हैं 5, 6, 7 और 8, यहाँ पर दिए गए 9 तक के हैं आपके, तो 9 में से आपको कोई 4 करने हैं, एक आपको छोड़ देना है। 5, 6, 7 आप कर सकते हैं, 8 कर सकते हैं, 9 छोड़ सकते हैं, या 5, 6, 8 छोड़ के 9, इस प्रकार से आपको करना है। एक पोर्शन आप उठाएंगे तो उसके सारे पोर्शन आपको करने हैं, एक एक क्वेश्चन नहीं आपको छोड़ना है। आगे बढ़ते हैं, ये 6 में आपका दिया गया है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फंक्शन ऑफ एंड फॉर्मूला इन एक्सेल, प्रोवाइड एग्जाम्पल। तो यहाँ पे अभी आपको क्वेश्चन बताया गया है, एमएस एक्सेल के बारे में, फॉर्मूला के बारे में बताना है, उसका एक एग्जाम्पल देना है। तो कोई भी आप दे सकते हैं, ऐड मल्टीप्लिकेशन किसी का भी एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। एक्सप्लेन दी वर्किंग ऑफ फंक्शन विद एग्जाम्पल, आपको कुछ फंक्शन के बारे में बताना है, जैसे कि काउंट करने के लिए मैक्सिमम और इफ एसक्यूआरटी, इन फंक्शन के बारे में, यानी स्क्वायर के बारे में आपको वर्कशीट में डिफाइन करना है किस प्रकार से इसका एग्जाम्पल निकालते हैं। उसके बाद कंपेयर दी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम विद लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपेयर करना है तो उसको आप अपने आप भी दे सकते हैं, बहुत सिंपल सा है, कोई इसमें कठिन क्वेश्चन नहीं है। विंडो को आपको कंपेयर करके दिखा देना है किस प्रकार से बूट होती है, किस प्रकार से इसका GUI होता है, ग्राफिक यूजर इंटरफेस किस प्रकार से वर्क करती है, किस प्रकार से इसका फंक्शन है, सारी चीज़ें आप इसमें लिख सकते थे अपने आप से। उसके बाद 7 नंबर आपका पूछा गया था, एक्सप्लेन दी फॉलोइंग टर्म है, यहाँ पे ऑटो करेक्शन के बारे में बताना है, ऑटो करेक्शन एमएस वर्ड में क्या होता है, डिस्क फ्रेगमेंटेशन, सेल रेफरेंस, वेबकैम। तो सब सिंपल से क्वेश्चन है, बेसिक से आप अपने आप भी लिख सकते हैं, वेबकैम के बारे में आप लिख सकते हैं, ऑटो करेक्शन जो स्पेल चेक होता है आपका वो किस प्रकार से काम करता है, इसमें आपको कोई थ्योरी लिखाने की जरूरत नहीं है। डिस्क फ्रेगमेंटेशन यानी कि डिस्क फ्रेगमेंटेशन आपका होता है, जब आप यहाँ पर जाएंगे विंडोज में तो यहाँ टाइप करेंगे डिस्क फ्रेगमेंटेशन आपको मिल जाएगा, ये आपका डिस्क का क्लीनअप वगैरह करता है। उसके बाद एन्यूमरेट द कंपोनेंट ऑफ मल्टीमीडिया एंड एक्सप्लेन इन ब्रीफ, तो ये आपको क्वेश्चन जो था 7 नंबर का था, ये आपका 8 नंबर का क्वेश्चन था, दो दो नंबर के क्वेश्चन थे ये आपके, और ये आपका 7 नंबर का पूरा क्वेश्चन था। आपको मल्टीमीडिया के पार्ट, मल्टीमीडिया के फॉर्मेट और मल्टीमीडिया की फाइल्स के बारे में आपको बताना था, तो एक तरह से कह सकते हैं पूरा मल्टीमीडिया कंप्लीट एक क्वेश्चन है, मल्टीमीडिया के बारे में आपको बताना था IT टूल्स के संदर्भ में। तो कोई भी चीज मल्टीमीडिया के बारे में 2-3 टॉपिक आपको लेके उसमें आपको इसमें लिखना था, टॉप पॉइंट वाइज आपको लिखने थे, मल्टीमीडिया कौन सी फाइल होती हैं वो आपको इसमें लिखने थे। उसका 8 नंबर आपका पूछा गया है, व्हाट इज द मेन नीड ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, गिव 3 एग्जाम्पल ऑफ पॉपुलर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो कोई भी आप डेटाबेस के बारे में, ऑलरेडी आपको बताया गया डेटाबेस के बारे में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो डेटाबेस के बारे में आपको इसमें लिखना था, और कोई 3 पॉपुलर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में आप इसमें डिफाइन कर सकते थे। उसके बाद आपका पूछा गया है कंपेयर कंपाइलर इंटरप्रेटर एंड असेंबलर, ये भी आपको वीडियो में बताया गया है, हर बार बताया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आप आंसर आशा करते हैं इसका आंसर आपने दे दिया होगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कंपाइलर के बारे में, असेंबलर क्या होता है और इंटरप्रेटर क्या होता है। उसके बाद पूछा गया था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पैम एंड वायरस, कई बार बताया गया स्पैम एंड वायरस क्या होता है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। 9th है डिस्कशन एंड डिस्कस द वेरियस लेआउट ऑफ ए स्लाइड फ्लो पावर पॉइंट के बारे में, आपको 5-5 नंबर क्वेश्चन थे बहुत सिंपल से, राइट राइट नोट ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ मेमोरी के बारे में बताना है, एक्सप्लेन द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत ही सिंपल सा इसका क्वेश्चन है, ये भी आपको अभी जो वीडियो इंपॉर्टेंट बनाई गई थी उसमें आपको ये बताया गया था। तो आशा करते हैं आपको क्वेश्चन के पूरे पेपर मिला होगा मेरे अनुमान से, अगर आपने वीडियो देखी होगी तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हुई होगी। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे आगे आपका M2 R4 के लिए। तो चलिए अब देख लेते हैं M2 का पेपर, तो ये मेरा पेपर अवेलेबल है M2 का, थोड़ा सा क्लियर नहीं है लेकिन आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, पार्ट 1 है ये आपका, तो बहुत सिंपल सा, ये भी आपका पेपर फुल अप पुट अप किया गया था, देख सकते हैं यहाँ पे M2 R4 17-18। तो M1.1 ने पूछा गया है, इन दी ओरिजिनल आर्पानेट वेयर डायरेक्टली कनेक्टेड टुगेदर, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है आपका। 1.2 में स्विचिंग इन दी इंटरेक्ट डन बाय यूजिंग डेटाग्राम अप्रोच टू पैकेट स्विचिंग एट दी। 1.3 में चलते हैं, व्हाट लेयर इज इन दी TCP/IP स्टैक
इस इक्विवेलेंट ऑफ ट्रांसपेरेंट आपका OSI लेयर मॉडल के बारे में पूछा गया, कौन सी TCP/IP में स्टैक करेगी। उसके बाद WWW का फुल फॉर्म है, बहुत सिंपल सा बता सकते हैं, विच ऑफ दी नोड ऑफ IP क्लास, इस कौन सी क्लास नहीं आती है आपकी IP के एड्रेस के संदर्भ में। उसके बाद है चूज दी करेक्ट एस्टिमेट टैग फॉर दी स्मॉलेस्ट साइज, तो ये आपको बताया जा चुका ऑलरेडी। विच बिल्ट इन मेथड रिटर्न द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, तो सिंपल से क्वेश्चन आपके पुटअप किए गए थे। सर्च इंजन एबल टू प्रोवाइड ए टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, सर्च इंजन किस प्रकार की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है आपको। ए पार्ट बी टैग, ये आपको जब आपने HTML वाले वीडियो देखी होगी तो मैंने उसमें पूरा समझाया है एक एक टैग के बारे में, तो वहां से आप इसको देख सकते हैं। दी टर्म इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कवर किसमें होगा आपका कॉपीराइट। तीसरे बहुत सिंपल से क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, क्वेश्चन सारे रिपीटेड क्वेश्चन है। उसका जावा स्क्रिप्ट इज लूजली टाइप लैंग्वेज, डायनेमिक एड्रेस डज नॉट चेंज एवरी डे, टू क्रिएट वेब पेज वी यूज ए टर्म कॉल्ड FTP, 12.0.0 प्राइवेट IP एड्रेस ऑफ क्लास ए, सर्च इंजन मेंटेन हैवली डेटाबेस ऑफ कीवर्ड ऑफ एंड URL। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, माय मी स्टैंड फॉर मल्टीमीडिया इंटरनेट, तो आपका फुल फॉर्म पूछा गया है। ए पीस ऑफ मालवेयर डेट अपीयर टू बी बींग और यूजफुल बट एक्चुअली ट्रेसेस डैमेज टू दिस सिस्टम और अलाउ अनदर टू गेन एक्सेस टू दिस सिस्टम, इसका ट्रोजन। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आपका वायरस के बारे में पूछा गया है। उसके बाद एक्सटेंडेबल मार्कअप लैंग्वेज, आपका फुल फॉर्म दे दिया गया है, आपका ये यहाँ पे आंसर दिया हो गया होगा, देख सकते हैं। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या है आपका, UDP क्या है, एसोसिएट विद मार्कअप टेक्स्ट टेल द ब्राउजर, रिटर्न द स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन टू द नंबर वैल्यू, वेब वेब स्टैंडर्ड बिल्ड बाई। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग इज IP एड्रेस IPv6 कितनी लॉन्ग होती है, तो आपको बताना है। यहाँ पे दिया गया होगा, यहाँ पे बिट दी गई होंगी, उससे आप आंसर ढूंढ सकते हैं। मैंने बताया वो ऑलरेडी IPv4 का कितने बिट होता है और IPv6 का कितने बिट का होता है। फाइल वायरस अटैच इट सेल्फ टू प्रोग्राम कोड फ्रीली अवेलेबल, तो जो फ्री अवेलेबल है ओपन सोर्स आपके होते हैं, सब बताया गया आपको, सिंपल से क्वेश्चन है। उसके बाद आपका पूछा गया TCP इसे कौन सा प्रोटोकॉल है, HTML टैग फॉर क्रिएट ए ब्रेक लिंक आल्सो नोन एज वेब रिबूट रोबोट, URL स्टैंड फॉर URL का फॉर्म पूछा गया है, SMTP बाय डिफॉल्ट यूजर TCP पोर्ट का पूछा गया, SMTP का FDDI यूज फॉर किस प्रकार के टू प्रोटोकॉल है। तो बहुत ही सिंपल से आपके क्वेश्चन प्रोवाइड किए गए थे, बहुत सिंपल पेपर है आपका IT टूल्स का और आपका M2 का। तो आगे बढ़ते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है पार्ट 2। तो पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है आपका, पैटर्न यहाँ पर देख सकते हैं चेंज हुआ है 3 6 6। व्हाट इज द मेटा सर्च इंजन, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ डिसएडवांटेज ऑफ मेटा सर्च इंजन, तो अगर आप वीडियो देखेंगे उठा के तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। ऑलरेडी वीडियो बनाई गई थी NLT डोए को लेवल इंटरनेट की, इसमें आप देख सकते हैं मेटा सर्च इंजन वगैरह आपको सारे आपको आंसर मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे वीडियो को वो प्ले करके दोबारा से, तो आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसको फिर से नोट कर लें क्योंकि ये आपका नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट एग्जाम के लिए भी आपका ये हेल्पफुल होगा। तो मेटा सर्च इंजन के बारे में आपको बताना था। एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ ईमेल, ईमेल का स्ट्रक्चर क्या होता है, जैसे कोई जीमेल आईडी है उसको आपको ईमेल का स्ट्रक्चर आपको लिख देना था इसमें। व्हाट आर वेरियस ईमेल प्रोटोकॉल यूज फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग ईमेल, तो कितने प्रकार के ईमेल आपका SMTP हो गया, आपका IMAP हो गया, कई तरह के होते हैं, आपको उसी के बारे में बताना था इसमें ब्रीफली में। तो ये आपका 6 नंबर क्वेश्चन था, इसमें आपको एक पेज का आंसर कम से कम लिखना था। व्हाट इज फायरवॉल, तो कई बार आपको पूछा गया, हर बार आपको ये बताया जाता है इंपॉर्टेंट वीडियो में, तो फायरवॉल के बारे में आपको लिखना था एक पेज का पूरा आंसर। उसके बाद ये भी मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, किस प्रकार से ये टेबल और टैग डिजाइन करते हैं। अगर आपने HTML वाली वीडियो देखी होगी, HTML कोर्स वाली वीडियो, पूरी 30 मिनट की वीडियो थी, तो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा हुई होगी वो वीडियो, कि किस प्रकार से आपको लिखना है, ये नंबर है यहाँ पर बुलेट लगी है, तो ये सबको किस प्रकार से डिस्काउंट यहाँ पे रो लगा के उसके अंदर लिखना है, ये भी रो लगा के उसके अंदर लिखा गया है। तो बहुत सिंपल सा कोड है आपका, अगर आपने वीडियो देखी होगी टेबल ब्रेक कोड वाली HTML की, तो आपको काफ़ी हेल्पफुल हुई होगी। तो ये आपका करीब 3 नंबर का क्वेश्चन, ये आपका था क्वेश्चन 6A है, तो ये आपका करीब नंबर था, यहाँ पे देख सकते हैं इसका नंबर आपका नहीं डिफाइन किया गया, कितने नंबर का पूछा गया है, 5 नंबर का आपका, ये 5 5 5 नंबर के 3 क्वेश्चन है 6ABC में। उसके बाद व्हाट इज जावा स्क्रिप्ट आपका पूछा गया है, राइट ए जावा स्क्रिप्ट प्रोग्राम इनपुट आउटपुट पॉजिटिव नंबर टेक्स्ट बॉक्स डिस्प्ले वेन एवर पैलिंड्रोम नंबर और नॉट, तो इसमें आपको कोडिंग भी पूछ लिया गया है और उसका आउटपुट भी आपको डिजाइन करना है इसमें। उसके बाद है गिव डिफरेंट बिटवीन कंटेनर टैग
Embed tag explain with example. How do you include an image with width of 100 pixel and height 50 pixel in HTML document में? तो ये आपको image add करके बताना है 100 pixel का और 50 pixel का in HTML document में. तो ये आपको वीडियो बनाई गई है HTML वाली. ये सारी वीडियो आपको वही हेल्पफुल करेंगे. अगर आपने वाले वीडियो देखी होगी तो आपको पूरा HTML का कोर्स समझ में आ गया होगा. और अभी एक दो वीडियो और डाल देंगे जिससे कि आपको पूरी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी अगर आपको नेक्स्ट पेपर में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो जिस प्रकार के इस बार पेपर पुटअप किया गया है उसमें आपके HTML के क्वेश्चन ज़्यादा पुटअप किए गए हैं. 15 नंबर के आपका HTML का पेपर है पूरा इसमें. उसके बाद व्हाट आर दी नेटवर्क टोपोलॉजी आपका पूछा गया है, कई बार बताया गया. TCP के IP के बारे में पूछा गया है. उसके बाद है व्हाट इज दी वेब होस्टिंग के बारे में पूछा गया है. आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया गया अगर आपने वाली वीडियो देखी होगी जो आपके लिए बनाई गई है. HTML का जो PHP कोर्स चल रहा है उसमें आपको होस्टिंग डोमेन के बारे में बताया गया, वहाँ से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं. व्हाट इज़ URL के बारे में कई बार बताया गया आपको. इनक्रिप्शन आपका पूछा गया पब्लिक की. सारी वीडियो आपको बनाई गई है ऑलरेडी, इनके वीडियो अलग से वीडियो पड़ी है चैनल पे, आप देख सकते हैं PKCPKY की. वहाँ से आपको सिर्फ करना क्या था, आपको वहाँ से जो आंसर बताया गया था डिस्प्ले उसको कॉपी में नोट करना था और उसको रट के आपको एग्जाम्पल लिख देना था समझने की इसको कोई जरूरत नहीं है. उसके बाद नाइन्थ में आपका पूछा गया डोमेन नेम सिस्टम है DNS आपका कई बार बताया गया. इंटरनेट एंड इंटरनेट काफ़ी बार बताया गया. ई कॉमर्स बताया गया. डिफरेंशिएट बिटवीन क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग साइड सारी चीज़ें आपको बताई गई. एक एक क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट वीडियो में हर वीडियो में बताया गया. अगर आपने वीडियो फॉलो की होंगी तो आपको सारा क्वेश्चन मिल जाएगा. तो ऐसा करते हैं आपको पेपर मैच किया होगा और आपको काफ़ी हेल्पफुल होगी. जो लोग फॉलो कर रहे हैं काफ़ी दिन से तो उनको दिक्कत नहीं होगी पेपर सॉल्व करने में. आंसर की बात करें तो आंसर आपको धीमे धीमे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे क्योंकि ये सारे आंसर अवेलेबल नहीं किए गए अभी, तो धीमे धीमे उनको प्रोवाइड कर दिया जाएगा. बाकी अगर आपका कोई बुक अवेलेबल है तो वहाँ से भी आप उसके आंसर ढूंढ के या गूगल से भी आप उसके आंसर ढूंढ के लिख सकते थे. तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देख लेते हैं M3 का पेपर जो कि अवेलेबल है मेरे पास. विवेक कुमार वर्मा जी ने सेंड किया है पेपर. ये आपका सी लैंग्वेज का पेपर है जो कि कल का पेपर आप देख सकते हैं. तो इसको थोड़ा सा रोटेट करना पड़ेगा मुझे. तो चलिए देख लेते हैं. विच प्रोग्राम मेथड इज फॉलोड इन सी लैंग्वेज. सी लैंग्वेज में कौन सा मेथड फॉलो होगा यहाँ पूछा गया है. उसके बाद गेट कैरेक्टर फंक्शन इज अवेलेबल इन विच हेडर फाइल. गेट कैरेक्टर किसको वेरी करता है, स्टूडियो डॉट एच, कोने डॉट एच, या हेडर डॉट एच, या मैथ डॉट एच. तो बहुत सिंपल सा ये भी आपका. 1.3 में आपका पूछा गया है फाइंड द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड. इसका आपको आउटपुट निकालना है क्या आज का आउटपुट आएगा. 1.4 विच नंबरिंग सिस्टम इज हैंडल डायरेक्टली प्रिंट ऑफ कन्वर्जन. नंबर ऑफ हैंडल डायरेक्टली प्रिंट कन्वर्जन स्पेसिफायर कौन सा है, बाइनरी डेसिमल ऑक्टल कौन सा है आपको बताना है. 1.5 में विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है, इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है. आउटपुट आपको बताना है इसमें कंटेंट स्टेटमेंट कंप्यूटर प्रोग्राम एक्सक्लूड लूप स्टेटमेंट कंडीशन कौन सा स्टेटमेंट लगेगा. या आपको जब हिंदी वाली वीडियो देखेंगे, 15 वीडियो अवेलेबल है करीब, तो उससे आपको सारे आंसर इसे मिल जाएंगे. 1.8 व्हाट विल बी आउटपुट ऑफ फॉलोइंग प्रोग्राम. आपको आउटपुट सारे बताने हैं, सब लगभग आपके आउटपुट वाले पूछे गए हैं. उसका ट्रू फॉल्स में देख लेते हैं. फंक्शन कैन बी कॉल्ड आइदर बाय द रेफरेंस ऑफ वैल्यू. ये आपके बेसिक से क्वेश्चन है ठीक है. ए यूनियन कैन नॉट बी नेस्टेड इन द स्ट्रक्चर. तो ये आपकी जो थ्योरी होती है उससे आपके लगभग क्वेश्चन पूछे जाते हैं. उसके बाद है आपका मैथ द कॉलम वगैरह देख लेते हैं. कॉल्स इफ स्ट्रिंग कॉपी के बारे में, वाइल स्ट्रक्चर. तो आप जैसे एक एक लाइन के क्वेश्चन है उनके बारे में आपको पूछा गया. एरे इसे क्या है, वी ये आपका फंक्शन किस बारे काम होता है, टाइप कास्टिंग क्या है, एग्जिट क्या है, रिकॉल क्या है. तो बहुत ही सिंपल से बेसिक से क्वेश्चन आपके पुटअप किए गए. उसके बाद फंक्शन राइट द लाइन स्पेसिफिक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन इसे एल्गोरिथमिक इज. तो ये सब बेसिक से आपके क्वेश्चन फिलअप किए गए. इसके आंसर अब सारे आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम था आपका जो कि इस बार ही ये वाला पुट अप किया गया है, पांचवे का ये आप देख सकते हैं जो कि आपका था. यहाँ पे तीन प्रोग्राम आपके दिए गए हैं, 4, 4 और 7 नंबर का प्रोग्राम था. 7 नंबर में आपको पूछा गया था व्हाट इज एक्सप्लेन, व्हाट इज फंक्शन, एक्सप्लेन यूजेस ऑफ फंक्शन, आल्सो एक्सप्लेन डिक्लेरेशन फंक्शन कॉल एंड डेफिनेशन ऑफ विद एग्जाम्पल. तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि अगर पूछा जाएगा तो आपका क्वेश्चन को मिक्स करके पूछा जाएगा. और प्रोग्राम की बात करें तो लगभग सारे आपको प्रोग्राम बताए गए थे यहाँ पे. अगर आप प्रोग्राम वाली इंपॉर्टेंट वाली वीडियो देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे आपको प्रोग्राम बताए गए थे यहाँ पे. ओ लेवल के इंपॉर्टेंट प्रोग्राम देख सकते हैं यहाँ पे. फिबोनाची सीरीज रिकर्सन है, तो यहाँ पे लगभग आपको सारे प्रोग्राम आपको
ऑलरेडी बताए गए थे, और इसके आंसर भी आपको पीडीएफ में प्रोवाइड किए गए थे, वेबसाइट पर ऑलरेडी भी अवेलेबल है। और राइट द प्रोग्राम टू फाइंड लार्जेस्ट नंबर एलिमेंट ऑफ एरे, यहाँ पे देख सकते हैं पूछा गया है। यहाँ पे ड्रॉ ए फ्लो चार्ट, फाइंड द फिबोनाची सीरीज, एक्सप्लेन डिफरेंट स्टोरेज ऑफ क्लासेस, ये भी आपको बताया गया है। ये आपको ए बी सी डी प्रिंट करना था, जैसे कि स्टार वाला पैटर्न था उसी प्रकार से इसको प्रिंट होगा, बस वहाँ स्टार की जगह आपको ए बी सी डी प्रिंट करना है। उसके बाद एक्सप्लेन अबाउट पॉइंटर फंक्शन ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल, पॉइंटर का एग्जाम्पल और उसका सुटेबल एग्जाम्पल, ये आपको बताया गया था ऑलरेडी इसमें, कि आपको जो थ्योरी क्वेश्चन बनेंगे वो किस प्रकार से बनेंगे। तो ये पूरा टॉपिक बताया गया था कि आपको क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं, यहाँ पे टॉपिक आपको बताया गया था वीडियो में। अगर आपने वीडियो फॉलो की होगी तो आपको काफ़ी हेल्पफुल हुई होगी। तो सी सी का पेपर भी कोई टफ नहीं था, इस बार बहुत सिंपल पेपर था। एक्सप्लेन द डिफरेंट बिटवीन टेक्स्ट मोड एंड बाइनरी मोड फाइल, तो ये सब आपका थ्योरी बेस का पोर्शन आया है। व्हाट इज कमांड लाइन आर्गूमेंट आल्सो एक्सप्लेन विद, सारा सारा आपका ये थ्योरी बेस है। व्हाट आर द प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, व्हाई डू वी नीड देम, एक्सप्लेन वेरियस कम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। तो काफ़ी सिंपल पेपर था आपका सी लैंग्वेज का भी, एक या दो प्रोग्राम आपके पूछे गए हैं मुश्किल से, बाकी सारा आपका थ्योरी बेस है और उसमें आपका डिक्लेरेशन सिंटेक्स आपको लिखने थे। तो आशा करते हैं आपको पेपर में काफ़ी हेल्पफुल होगी वीडियो से। तो कोई डाउट हो किसी क्वेश्चन को लेके तो अलग से आप पूछ सकते हैं, मेल कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और प्लीज़ चैनल जो सब्सक्राइब करें इसी तरह से शेयर करें, इससे क्या अधिक से अधिक लोगों को हेल्प होती रहे, वीडियो आपको इसी तरह से मिलती रहेंगी, सोल्यूशन आपको सारे मिलते रहेंगे। और कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। तो प्लीज़ जरूर चैनल को जो सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर कर दें, इससे अधिक से अधिक लोगों को हेल्प होती रहे, क्योंकि डायरेक्ट स्टूडेंट को काफ़ी दिक्कत होती है इसको समझने में, और कोई जानकारी अवेलेबल नहीं है कहीं पर भी, आप देख सकते हैं ऑल इंडिया बेस पे एग्जाम है, तो उसकी अगर आप इस चैनल पे आकर आप देखेंगे तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।